बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई आज एक मरतबा फिर से हम हाजिर हैं जमील विमन सोसाइटी में एक और नए कैटल फार्म के साथ। अल सईद कैटल फार्म जमील विमन सोसाइटी लोकेशन आपको बता दी है। भाई आज जो आपको मैं हसीनाएँ दिखाने वाला हूँ ना, एक से बढ़कर एक ब्यूटी, गुलाबी प्रिंट के अंदर, अबलक के अंदर और पांडा प्रिंट के अंदर, यानी कि डिफरेंट वैरायटी है। नुकरी, गुलाबी, हर यानी कि ब्यूटी के अंदर ना यहाँ पर बछड़ियाँ, बछड़े मौजूद हैं। ज़्यादातर कलेक्शन में आपको बछड़ियों भी दिखाऊंगा, एक आध बछड़ा भी दिखा दूंगा। और अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो 3.5 लाख से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम जाएगी ये 12 लाख रुपए तक, ठीक है। तो इसमें दरमियानी रेंज में भी आ जाएंगी, कुछ हाई रेंज की भी आ जाएंगी, कुछ जो है वो 3.5 लाख से 4-5 लाख तक की भी आ जाएंगी। तो आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखनी है। सलमान भाई का या फिर जो है वो महमूद भाई का नंबर चल जाएगा ऑन स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर करिएगा, कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी अल सईद की ब्यूटीज़ देखते हैं। चलें जी पहली बछड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली बछड़ी माशाल्लाह कितना खूबसूरत लुक दे रही है, अल्लाह पाक नज़र बच्चे बचाए। वाइट पलकें और ब्राउन एंड वाइट कलर के अंदर आ रही है, अबलक प्रिंट के अंदर आ रही है, बटरफ्लाई जैसा जो टेक्स्चर होता है ना, कैडबरी जैसा, सॉरी, इस टाइप की बछड़ियों को नॉर्मली हम लोग कैडबरी का नाम दे रहे होते हैं। बटर स्कॉच, कैडबरी, बटर पफ, कोई भी आपको नाम अच्छा लगे आप दे सकते हैं। और गेनी बिचोली साइज़ के अंदर छोटी बछड़ी है, लेकिन पलाई इसकी अच्छी हुई भी आप देख सकते हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बच्चे बचाए, भरपूर गोल मटोल मुटल्लो वाली जो बछड़ी होती है ना, गोल मटोल सी, वैसी बछड़ी है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लुक एक और मरतबा इसने दिया। मासूमियत बछड़ी के चेहरे पर वाज़े है। अब ज़रा आप इसको चलाना शुरू करो भाई, शायद ज़रा चलाना शुरू करो बछड़ी को, आपको बैक वगैरह भी ताकि इसकी दिख जाए और इसकी चाल वगैरह भी दिख जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह मुटल्लो को ज़रा पीछे से तो देखो कैसे ठुमक ठुमक के चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये साइड एक आपको इसकी दिख गई, और अब फ्रंट से एक ज़रा चाल देखने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि 12-15 जानवर जितने ज़्यादा हो सकें आज की वीडियो में दिखा दूँ। कुछ बछड़े भी दिखाऊँगा लेकिन बछड़ियाँ ज़्यादा होंगी जैसे आपको मैंने बताया। माशाल्लाह 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 ऐसी तेज़ लेकर आ जाओ रॉकेट की तरह। माशाल्लाह 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 सही है, बस इसको ले जाओ अब और अगली बछड़ी पर अब मूव करेंगे। चलें जी एक और बहुत ही खूबसूरत काली अबलक के अंदर मैं आपको ब्यूटी दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी नाफा झालर वगैरह, कितना प्यारा इसका झालर है सिलवटों वाला, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। भाई फुल फ्रेम में ज़रा बछड़ी देख लें, तो जिनको ब्लैक ब्यूटीज़, ब्लैक अबलक ब्यूटीज़ पसंद है तो उनके लिए बछड़ी हाजिर है। चेहरे के ऊपर एक वाइट कलर का जो स्पॉट आ रहा है वो एक और यानी कि इसके अंदर ब्यूटी एलिमेंट ऐड कर रहा है। खड़ी गर्दन में, छोटी गर्दन में बछड़ी आपके सामने भाई माशाल्लाह मौजूद है। इसको भी ज़रा सा चलाना शुरू करें, पीछे दुम भी बड़ी प्यारी सी है, देखो ब्लैक वाइट एंड देन अगेन ब्लैक, तो ऑल एंड ऑल एक ब्यूटी पैकेज आपको नज़र आ रहा है। और देखें अपने साइज़ के हिसाब से इसकी बैक भी बहुत अच्छी बनी हुई है, जो उसका साइज़ है उस हिसाब से माशाल्लाह एक अच्छी बनावट में है। माशाल्लाह माशाल्लाह आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आने दो आने दो आने दो भैया, आने दो आने दो आने दो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भैया अब मूव करेंगे इसके बाद अगली बछड़ी पे, वो भी मेरे ख्याल से ब्लैक अबलक के अंदर ही आएगी। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा माल दिखाने की है। और एक चीज़ और बता दूँ, सलमान भाई का नंबर आपको मिल जाएगा ऑन स्क्रीन भी, डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके इनकी एग्जैक्ट प्राइसिंग मालूम कर सकते हैं। ठीक है भैया इसको ले जाएं अगले जानवर को लेकर आएँ। माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह एक और ब्यूटी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप देखें ब्यूटी का एलिमेंट, साइज़, पलाई, बनाओ, हर चीज़ जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। इसलिए वीडियो भाई एंड तक लाजमी देखना। ये वाली आँख इस बछड़ी की जो है वो गुलाबी है, वो वाली आँख जो है इसके ऊपर लाल चश्मा है, लाल कान है और गुलाबी नाक। माशाल्लाह ब्यूटी के सारे एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और सिलवटों वाली झालर, भरपूर झालर, बैक वगैरह देख लें, एक मतलब लाम देख लें बछड़ी की, बेल देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह एक मतलब फुल फ्रेम में बछड़ी देख लें। अब इसकी आपको चाल दिखाएंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। खड़ी गर्दन और छोटे चेहरे में बछड़ी है, ज़रा चलाना शुरू करो भाई, चलाना शुरू करो, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रा बैक भी इसकी देख लें बछड़ी की, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत एक और हसीना। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आज हसीनाएं जो है ना वो एक से बढ़कर एक आपको नज़र आएंगी, चार चांद लगाएंगी आपके शौक़ में भी। अल सईद कैटल फार्म की आपको कलेक्शन दिखा रहे हैं भाई 2023 की। सलमान भाई से आप रब्ता करके यहाँ पर आ सकते हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ले जाओ इसको और नेक्स्ट बछड़ी लेकर आओ, इसको ले जाओ। चलें जी एक और हसीना हाजिर है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और इस बछड़ी के अंदर एक चीज़ बहुत ही प्यारी है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, और वो है इसका करवी तोता फेस। जैसे आपने
बकरों में देखते होंगे ना आप, गुलाबी बकरों में, कामोरी बकरों में एक तोता फेस होता है, तो इसका भी वही वैसे ही माशाल्लाह से तोता फेस है और पंची नोज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और ये देखें दोनों आँखों के ऊपर चश्मा, गुलाबी नाक, लाल कान और टेक्सचर्ड बटरफ्लाई प्रिंट झालर आपको नज़र आ रही है। लाम बछड़ी की दिखा दी, पीछे का प्रिंट देख लिया आपने, चार चोल के ऊपर बछड़ी को फुल साइज़ में भी देख लिया। अब ज़रा चलाना शुरू करो भाई इसको, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी और एक यूनिक एलिमेंट के साथ जो उसमें तोता फेस है वो हर जानवर में नॉर्मली नज़र नहीं आता, देखने को नहीं मिलता। ओए आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, बछड़ी है तो भाई मज़ा तो कराएगी ना, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, क्या मटक मटक के चल रही है। तो भाई बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी अल सईद कैटल फार्म की ब्यूटीज़ आप देख रहे हैं। जो भी आपको जानवर पसंद आए, सलमान भाई का नंबर ऑन स्क्रीन भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी, उनसे कॉन्टैक्ट करके आपने उसकी प्राइसिंग मालूम करनी और इंशाल्लाह आपका यहाँ पे सौदा बन ही जाएगा। तो भैया इसको भी ले जाइए और अगली बछड़ी लेकर आइए। चलें जी नेक्स्ट ब्यूटी हाजिर है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा, एक और खूबसूरत हसीना पांडे फेस के अंदर और बटरफ्लाई टेक्सचर के अंदर, यानी कि दो दो प्रिंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं और गुलाबी नाक, लाल कान, एक आँख के ऊपर लाल चश्मा, दूसरी जो है वो वाइट पलकों के साथ वाइट आई है। कितना खूबसूरत माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इसको हुस्न दिया है। और ये ज़रा इसकी झालर भी देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी जो है वो बेल भी देख लें, सारी चीज़ें अल्लाह पाक के करम से परफेक्ट जा रही हैं। एक कंप्लीट ब्यूटी पैकेज है बछड़ी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह के जो है ना वो अल्फाज ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं। उम्मीद है आपको भी पसंद आ रही होगी। अल सईद कैटल फार्म जो है वो आपने लाजमी विज़िट करना है जब भी आपने जमील विमेन सोसाइटी आना है, क्योंकि ये जो आपको मैं जानवर दिखा रहा हूँ ये भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा और बहुत सारे जो है ना वो जानवर अवेलेबल हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे। अभी मैं डेडिकेटेड जो है ना ख़ास करके बछड़ियों की जो ब्यूटीज़ हैं उनको आपको दिखा रहा हूँ। ज़रा भाई चलाना भी शुरू कर दो इख्तियार, इसको ज़रा चलाना शुरू करो बछड़ी को। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रा बैक देख लें बछड़ी की एक नज़र, और एक नज़र इसकी ज़रा फ्रंट से और साइड से चाल भी देखेंगे और फिर अगली बछड़ी के ऊपर इंशाल्लाह मूव करेंगे और एक आध बछड़ा भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो बछड़ा लवर्स वेट करें, वो नाराज़ ना हो कि भाई बछड़े तो दिखाए नहीं जमील भाई ने, बछड़े भी इंशाल्लाह एक आध दिखाएंगे। वैसे ज़्यादातर इनके पास जो है वो 90% कलेक्शन बछड़ियों की है, बछड़े जो हैं वो जो थे इनके पास ज़्यादातर वो सेल हो चुके हैं, कुछ बछड़े अवेलेबल हैं वो इंशाल्लाह आपको फिर हम दिखाएंगे। इसको भैया ले जाओ और अब अगली बछड़ी को लेकर आओ। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। एक और हसीना आपके सामने मौजूद है अल सईद कैटल फार्म की ब्यूटी। अच्छा भाई जमील विमेन सोसाइटी में अल सईद कैटल फार्म मौजूद है माशाल्लाह, और बहुत ईजी लोकेशन है, सुरमा वाला के बिल्कुल बराबर में आप जाएंगे तो आपको अल सईद कैटल फार्म मिल जाएगा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, लेकिन ब्यूटीज़ तो भाई आप ज़रा देखें, दिल खुश हो रहा है, एक से बढ़कर एक जानवर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बछड़ियों में जितने भी बछड़ी लवर्स हैं ना वो अगर यहाँ पर आएंगे ऐसा हो नहीं सकता कि उनको अपने मतलब की बछड़ी मिले नहीं। एक से बढ़कर एक ब्यूटी, एक से बढ़कर एक प्रिंट, और हर बछड़ी माशाल्लाह एक से बढ़कर एक है। तो भैया इसको भी ले जाओ आगे, थोड़ा सा चाल वाल इसकी दिखाओ, कितनी खूबसूरत इसकी जो है गुलाबी आँख आपको दिख रही है, गुलाबी नाक, गुलाबी आँख, और बैक से ज़रा इसकी पलाई चेक करें। सईद कैटल फार्म की पलाई सर्विस भी अवेलेबल है, आपको उसके रेट सारे डिफ़ाइन कर देंगे सलमान भाई, उनसे आपने कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है भैया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चाल, सीना देखें बछड़ी का कितना बेहतरीन सीना है, आगे कितनी यानी कि अच्छी पलाई हुई है बछड़ी की। जैसे आपको शुरू में कुछ छोटी बछड़ियाँ दिखाई कम रेंज वाली, अब ज़रा मिड रेंज और थोड़ा प्रीमियम बछड़ियों की तरफ भी हम आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह छोटी हो या बड़ी आपका दिल ज़रूर आएगा। हर बछड़ी ऐसी है कि बंदा चाहेगा भाई मैं अपने घर ले जाऊँ उसको और इस पर शौक़ पूरा करूँ, इस पर जो है मैं अपनी कुर्बानी का फरीज़ा जो है वो मैं अदा करूँ। ठीक है भैया, इसको भी अब ले जाओ जल्दी से, किसी अगली ब्यूटी की तरफ मूव करते हैं। इसको ले जाइए, अगली बछड़ी दिखाइए। चलें जी एक और ब्यूटी हाजिर है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। देखो भाई एक बात मुझे ऑनेस्टली कमेंट करके बताना, जो सी बछड़ी आती है तो दिल आता है उसके ऊपर के नहीं आता, जो शौकीन है वो इस बात का जो है ना वो एविडेंस दे ज़रा। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए भाई, हर बछड़ी ऐसी है कि देखते ही जो है ना वो माशाल्लाह सुभान अल्लाह निकल रहा है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि अल सईद कैटल फार्म पर जो है ना वो रात में भी आप विज़िट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं इस वक्त व्लॉग ही रात में बना रहा हूँ क्योंकि दिन में गर्मी बहुत है तो लोग प्रेफर करते हैं कि भाई हम रात में विज़िट करें, तो वीकेंड्स के ऊपर तो भाई पूरी पूरी रात ही बैठे हुए हैं, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन वीक डेज़ में भी आप जो है वो नाइट में भी विज़िट कर सकते हैं मगरिब के बाद, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। बहुत बेहतरीन बेल है बछड़ी की, बहुत अच्छी लाम है बछड़ी की माशाल्लाह, छोटी सी गर्दन, छोटा सा चेहरा और सीना वगैरह, झालर वगैरह देखें बछड़ी का माशाल्लाह, भरपूर मेहनत की हुई है, भरपूर पलाई की हुई है। ये तो एक चंद एक हमारे सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाले अल्फाज हैं, लेकिन इसके ऊपर जो पूरा साल मेहनत होती है
वो अगर आप ख़ुद मेहनत करने बैठें तो आपको अंदाज़ा हो कि किस मुश्किलात से जो है ना इन जानवरों को इस लेवल तक पहुंचाया जाता है, कितना टाइम और कितनी मेहनत दरकार होती है। तो भाई ज़रा चलाना शुरू करो, बछड़ी की चाल भी देखें, बैक से भी ज़रा इसको देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत पैच आ रहा है। और ये बछड़ी जो है, मैं आपको बताऊँ कि आपको 3.5 से जो 12 लाख की प्राइस रेंज बताई है उसी के अंदर है, ये 25 लाख वाली प्राइस रेंज में नहीं है। लेकिन पलाई आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं लाजमी आपको ये रेकमेंड करूँगा कि फ़िज़िकली लाजमी देखना इन जानवरों को आके। कैमरे में कभी जानवर बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, लेकिन असल चीज़ उसकी जो असल उसकी ब्यूटी है, असल हुसन है, वो कैमरे में कभी भी नज़र नहीं आता। जो मज़ा आता है फ़िज़िकली, जमील मेमल सोसाइटी में अल सईद कैटल फार्म मौजूद है। जब भी चक्कर लगे अल सईद पर लाजमी चक्कर लगाना। ले जाओ भैया इसको और अगली बछड़ी लेकर आओ। भाई गुलाबी गुलाबी बछड़ियाँ देख देख के जो है ना वो दिल भर गया था। मैंने बोला एक पांडी ब्यूटी निकलवा लें भाई, माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। गुलाबी नाक के अंदर, चश्मा प्रिंट के अंदर, लाल पांडी हसीन बछड़ी है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बच्चे बचाए, क्या खूबसूरत। एक तो खड़ी भी कितनी प्यारी है बछड़ी यार, ये देखो ज़रा माशाल्लाह। पिछले दोनों पाँवों पर मोज़े भी आपको नज़र आ रहे हैं, अबलक प्रिंट भी आ गया, पांडा प्रिंट भी आ गया, मोज़ा प्रिंट भी आ गया, और ज़रा सीने के ऊपर माशाल्लाह पलाई और मेहनत चेक करो अल सईद कैटल फार्म की। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी यार हसीन बछड़ी है। अब ज़रा इसको चलाना शुरू करो। बहुत मेहनत की है भाई इस बछड़ी के ऊपर, क्योंकि मैंने यही बछड़ी 3 महीने पहले देखी थी और आज मैं देख रहा हूँ तो भाई उसका रिजल्ट्स जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। तो आप जो है वो इनके पास पलाई पर नेक्स्ट ईयर के लिए भी माल दे सकते हैं, स्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं, और इस साल के लिए भी आप यहीं से परचेज़ करके यहीं पर ही पलवा भी सकते हैं भाई। माशाल्लाह बहुत ही हसीन बछड़ी, बहुत ही अच्छे बनाव में। और वंस अगेन 12 लाख जो आपको मैक्सिमम प्राइस रेंज भी बताइए ना, वो एक आस्किंग प्राइस है। कैटल मार्केट कराची का आप रेफरेंस देंगे तो सलमान भाई लाजमी कोऑपरेट करेंगे और सौदा आपसे इंशाल्लाह लाजमी बनाएंगे, डील इंशाल्लाह आपकी बन जाएगी। ले जाओ इसको, अगला कोई हुसन हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं आप। अच्छा मैं स्टार्ट से जो है ना वो आप लोगों को ज़रा दांतों का मेंशन करना भूल गया, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये भी जो भी आप ज़रा बछड़ी देख लें ज़रा एक मतलब फुल फ्रेम में, माशाल्लाह सुबहानअल्लाह इतनी बेहतरीन पलाई भी 2 दांत पर हुई हुई है। यहाँ पर 2 और 4 आपको मिलेगा, 4 भी शायद एक आध बछड़ी बीच में आई थी, एक बछड़ी आई थी 4 की, बाकी सारी बछड़ियाँ अभी तक जितनी आई हैं वो 2 दांतों में माशाल्लाह। लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स मालूम करने के लिए आपको सलमान भाई से लाजमी कॉन्टैक्ट करना है और वो आपको उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स बता देंगे। ये भी बछड़ी जो है आप देख सकते हैं कि खड़ी गर्दन में माशाल्लाह भरपूर झालर में, नाफे में और अच्छे खासे बनाव में, आगे पीछे से बराबर बनाव में है बछड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलाबी और काली नाक मिक्स है ये, और झालर देखें सिलवटों वाली झालर, माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। बहुत ही प्यारी भाई, बहुत ही खूबसूरत। ज़रा बैग भी आप इसकी देख सकते हैं, आप ज़रा पीछे से चलते हुए आपको दिखाता हूँ, देखें कितनी बेहतरीन पलाई की हुई है, 2 दांत पर ये वजूद है भाई। ऑर्गेनिक पलाई होती है तो भाई ऐसा ही होता है। ज़रा इसको चलाना शुरू करो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बैग देख लें बछड़ी की, माशाल्लाह कितनी अच्छी खासी बैग बनी हुई है। और अब ज़रा ये मुड़ेगी तो इसकी ये वाली साइड भी आपको नज़र आ जाएगी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। साफ़ सुथरे कलर के अंदर है, वाइट कलर के अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने आपको बताया था आपको वैरायटी देखने को मिलेगी अल सईद कैटल फार्म पर, और वो वैरायटी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है भैया, इसको भी ले जाइए और नेक्स्ट बछड़ी लेकर आइए। चलें जी एक और ब्यूटी, और वंस अगेन पहले ही मेंशन कर दूं कि ये भी दांतों में भाई 2 है, लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा चीज़ मुझे पसंद आई है ना पलाई वलाई साइज़ वाइज हटा के, वो है इसकी आँखें, भूरी आँखें। आप ज़रा देखें, गुलाबी आँखें नहीं हैं, गुलाबी आँखें हमने पिछली बछड़ियों में देख ली, लेकिन इस बछड़ी में जो यूनिक एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है वो है इसकी भूरी आँखें और वाइट पलकें यार। बहुत ही खूबसूरत बिस्किटी कलर के अंदर, बिस्किटी अबलक कलर के अंदर माशाल्लाह। ये ज़रा सीना तो देखें बछड़ी का, सुबहानअल्लाह। झालर नाफा हर एतबार से बेहतरीन, और भरपूर पलाई हुई हुई है बछड़ी की। बैग भी आप चेक कर सकते हैं इसकी, लाम वगैरह सारी चीज़ें, और बहुत खूबसूरत फेस ब्यूटी के अंदर 2 दांत में, बहुत ही प्यारी बछड़ी। ज़रा चलाना शुरू करो भाई शायद इसको, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बैग देखें भाई बछड़ी की, बहुत मेहनत की है भाई। अल सईद कैटल फार्म की पलाई आपको नज़र आ रही है, उनकी ब्यूटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। जमील मेमन सोसाइटी में जब भी चक्कर लगे अल सईद पर लाजमी चक्कर लगाना, क्योंकि यहाँ मैंने ये देखा है जमील मेमन सोसाइटी में अक्सर लोग जो आते हैं ना वो बछड़ी लवर्स ज़्यादा आते हैं बछड़ों की बनिस्बत, तो बछड़ियों में इसीलिए इन्होंने हर बंदे के लिए ना एक अच्छी वैरायटी निकाल के रखी है। पांडी अबलक, काली अबलक, लाल अबलक, हर उसमें माशाल्लाह से वैरायटी है। तो भैया इसको भी ले जाओ और अगली बछड़ी को ही लेकर आओ। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, एक और खूबसूरत बछड़ी। भाई देखें सारे प्रिंट्स होते जा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी प्रिंट रह रहा है ना वो ज़रा निकलवाया जाए।
दो दांतों के अंदर अब लाल अबलग प्रिंट रह गया था। माशाल्लाह देखो कितने खूबसूरत पैचेस हैं, पैटर्न देखो ज़रा। और खड़ी गर्दन और बछड़ी का खड़ा होना देखो, पिछले एक पांव के ऊपर इसके वाइट मोज़ा है, बाकी लाल अबलग कलर के अंदर बछड़ी आपके सामने मौजूद है। और अपने साइज़ के हिसाब से बेहतरीन भरपूर पलाई हुई हुई है। मुझे इसकी खड़ी गर्दन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, छोटी सी गर्दन, खड़ी गर्दन। भाई ज़रा चलाना शुरू करो बछड़ी, चलाना शुरू करो, उसकी ज़रा चाल वाल भी चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हर जानवर का जो है मैं समझता हूँ कि पलाई का हक़ अदा किया हुआ है इन्होंने, तो पलाई सर्विस भी अवेलेबल है। और आप अभी अगर नेट बछड़ी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और बकरीद तक के पैकेज के साथ लेना चाहें तो उसमें स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कैटल मार्केट कराची के रेफरेंस से आपने सलमान भाई से कॉन्टैक्ट करना है, और लाजमी अल सईद कैटल फार्म आपने विज़िट करना है। इसको भी ले जाओ। अब ज़रा और कोई ब्यूटी देखते हैं, बछड़े भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा एंड में, और एक दो बछड़ियाँ इंशाल्लाह भी आपको और दिखाते हैं, फिर वीडियो एंड करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट ब्यूटी हाजिर है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए। कितनी खूबसूरत छोटे से फेस के अंदर बछड़ी, और भरपूर इसकी झालर, आप सीना इसका चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह अच्छी पलाई हुई हुई है इसके ऊपर भी। और ये है भाई ब्लैक चश्मे के अंदर आ रही है, ठीक है। और ये तकरीबन बिचोली बछड़ी है मेरे हिसाब से, जो गेने बिचोले का हाइब्रिड वर्जन होता है ना, लेकिन उसका इन्होंने वाकई में, आप ज़रा पलाई चेक करें, ज़रा बैक देख लें बछड़ी की, बेल देखें, ज़रा लाम देखें, तो इन्होंने पलाई का भरपूर हक अदा किया है। बछड़ी बिल्कुल जो है ना फुटबॉल की तरह जो है ना मुटल्लो हो रही है माशाल्लाह। ज़रा चलाना शुरू करो इसको यार इख्तियार, इसकी चाल भी ज़रा देखें, बैग आप इसकी देखिएगा, ये देखें ज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए, फुल गोल मटोल मुटल्लो बछड़ी है भाई माशाल्लाह। दांतों में चार है, अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए। खूबसूरत बिचोली बछड़ी माशाल्लाह 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 भाई माशाल्लाह। ठीक है भैया, इसको भी ले जाओ इख्तियार, अगली बछड़ी के ऊपर आते हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नेक्स्ट ब्यूटी हाजिर है आपके सामने एल्बिनो आइस के अंदर। कैमरा भी डायरेक्ट आंखों के ऊपर फोकस कर रहा है ऑटोमेटिकली भाई, माशाल्लाह क्या बात है। इतनी खूबसूरत आंखें, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए भाई। जैसे आपको बताया था कि ब्यूटीज़ के अंदर आपको वैरायटी हर चीज़ की मिलेगी, तो भाई गुलाबी नाक में अल्बिनो बछड़ी जो है वो आपको नज़र आ रही है। इसको उर्दू में बोला जाए तो आप इसको सूरजमुखी भी बोल सकते हैं, कंची आँखें भी बोल सकते हैं। तो भाई फुल वाइट कलर के अंदर कितना खूबसूरत चेहरा है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये फुल फ्रेम में बछड़ी देख लो भाई एक मरतबा, चलाना शुरू करना ज़रा, इसकी चाल वगैरह भी देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे एक वाइट कलर के अंदर सूरजमुखी बछड़ी, बहुत ही खूबसूरत भाई। हाँ वापस ले आओ ले आओ, दांतों में दो है ये भी मैं आपको बता दूँ, दांत शायद मैं मेंशन करना भूल गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, आने दो भाई आने दो आने दो आने दो भाई, एक से बढ़कर एक ब्यूटी है। अब हर जानवर जो आ रहा है वो दिल के ऊपर लग रहा है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बोला था। तो वो भाई अब क्या करें, किस किस की किस किस तरीके से तारीफ़ करें, हम सिर्फ एक जुमला बोल सकते हैं कि सुभान तेरी कुदरत। अल्लाह पाक की जो है वो तख्लीक है, अल्लाह पाक की कुदरत, अल्लाह पाक का निज़ाम है, और अल सईद कैटल फार्म की उसके ऊपर भरपूर मेहनत है जो आपको नज़र आ रही है, और हमारा भाई दिल खुश होता जा रहा है। ठीक है भैया, अब जो है ना वो इसको ले जाओ, अगले जानवर पे मूव करते हैं। चलें जी, एक और ब्यूटी हाजिर है माशाल्लाह भाई। हुसन और हसीनाएँ जो है ना वो ख़त्म हो ही नहीं रही हैं, अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए भाई। भरपूर मेहनत है, भरपूर तैयारी है सीज़न 2023 के लिए। कलेक्शन अल सईद कैटल फार्म का आपने देखा, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। दिल तो चाह रहा है कि सारी इसी वीडियो में दिखा दी जाएँ, लेकिन भाई अगला व्लॉग भी इंशाल्लाह आपके लिए बनाएंगे, उसमें बाकी की वीडियो उनको बाकी के जानवरों को ब्यूटीज़ को कवर करेंगे। इसकी ज़रा झालर देखें, कितनी सिलवटों वाली झालर है, छोटा सा चेहरा, गुलाबी आँख, गुलाबी नाक, और एक आँख जो है ना इसकी वो में आ रही है, कजली आँख आ रही है, दोनों काले कान है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ज़रा फेस ब्यूटी चेक करें, अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए। बैक से बछड़ी देखें, ब्लैक पैच आ रहा है बैक के ऊपर इसके, भरपूर बनाव में, भरपूर नाफे झालर में बिचोली बछड़ी है, लेकिन फुल वही बात है फुटबॉल की तरह गोल मटोल मुटल्लो है भाई। इसको भी चलाना शुरू करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, देख ही लिया उसने, दिखाई दिया अपना मुखड़ा और अपना हुसन, क्या बात है भाई। बैग चेक करें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये भी दांतों में दो है, ये भी दांतों में दो है, जैसा मैंने आपको बताया तकरीबन जो है वो इनके पास दो और चार दांत से ज़्यादा की कलेक्शन नहीं है। तो यही असल मेहनत होती है कि भाई दो दांत के ऊपर जो है ना अच्छा वजूद, उसके साइज़ के हिसाब से, जानवर के हिसाब से, उसको हर तरफ से भरना, आगे पीछे से बराबर भरना, यही असल मेहनत है। पब्लिक की डिमांड जो है वो दो और चार दांत की है, इससे ज़्यादा की लोग ज़्यादातर वो पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ है भाई इकोनॉमिकल रेट्स के अंदर आपको अल सईद कैटल फार्म की ब्यूटीज़ दिखा रहे हैं। अच्छा जी, यहीं पर ही मैं वीडियो एंड करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी क्लाइंट्स के यहाँ पर रश हो गया, इसलिए चार पांच बछड़े भी थे वो भी दिखाने थे, कुछ बछड़ियाँ एक दो रह गई थी वो भी दिखानी थी, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है।
अल सईद कैटल फार्म आपने लाजम विज़िट करना है जब भी जमील हुसैन सोसाइटी आएँ। नंबर आपको अवेलेबल ऑन स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोकेशन पिन लोकेशन मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर करिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।